जाना है क्या कोई बुशमिल? बुशमिल है कुछ ऐसा नहीं? हेलो एवरीवन, मैं हूं सिमरन और ये है बुशमिल्स द ओरिजिनल। सो बुशमिल हमारी है आयरिश विस्की, या जेम्सन याद आ गई ना। सेम, दिस इज द आयरिश विस्की। जैसे हमने काफ़ी विस्की देखी है ना, कि जो क्लेम करते हैं कि हम बहुत पुरानी डिस्टिलरी से हैं। रिसेंटली भी हमने रिव्यू जितनी को किए ना, सब में कुछ ना कुछ यूनिक ऐसा होता है कि ये 500 साल पुरानी है, ये इतने साल पुरानी है। सेम ही क्लेम ये भी करते हैं, बट इन द जस्टिफाइड मैनर, कि एक ना जस्टिफिकेशन उसकी मिलती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली लीगली है वो। तो ये क्लेम करते हैं कि ये बनी स्टार्ट हुई 1608 में। दे आर क्लेमिंग दिस इज द ओल्डेस्ट लाइसेंस्ड डिस्टलरी। तो आयरिश विस्की है ये, बनती है आयरलैंड में। सिंपली आयरलैंड में बनती है ये, आयरलैंड के नॉर्थ कोस्ट पे। नॉर्थ कोस्ट पे जहाँ ये बनती है, वहाँ से इसको समुद्री एरिया जो लगता है ना, उसके पास से रिवर निकलती है, बुश रिवर। सो एज पर नेम इसका नाम आता है बुश मिल्स। बुश आता है बुश रिवर से, एंड मिल्स उन मिल्स के लिए यूज़ किया गया है जिनसे ये बार्ले, सॉरी माल्टेड बार्ले जिनसे लेते हैं। आयरिश विस्की वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है। सिंपली जेम्सन तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आयरिश विस्की के साथ हमारा नाता ठीक ठाक सा ऑलमोस्ट मेरा तो है। मुझे बड़ी पसंद आती है आयरिश विस्की। यूनिक बात क्या है कि जिस तरह स्कॉच विस्की होती है वो दो बार डिस्टिल्ड होती है, इसको ट्रिपल डिस्टिल्ड कराया जाता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ बुश मिल्स की, तो ये आती है दी ओल्ड बुश मिल्स डिस्टलरी से, या एज़ पर नेम। और आई एम रियली सरप्राइज, जब मैंने इनकी वेबसाइट को चेक किया तो इनके पास ऑलमोस्ट 14 से 15 विस्की लाइनअप है, जिसमें ज़्यादातर सिंगल माल्ट है। और बॉटल आप देखें, बहुत ही प्यारी स्क्वेयर डिज़ाइन की बॉटल है। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लाइसेंस डिस्टलरी, और इसमें काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जो इसको मिले होंगे वो दिखाए गए हैं। हालांकि एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आती, इसके ऊपर कोई एज स्टेटमेंट नहीं है, बट दिस इज़ द मेच्योर फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। यस, अभी रुको, अभी रेट बताऊंगा, फिर लगेगा कि यार ये तो चीज़ ही अलग है। बॉटल स्क्वेयर प्यारी तो है ही है, साथ में इसके ऊपर बहुत ही प्यारी इम्बोजिंग की हो रही है, दोनों ही साइड ये इम्बोजिंग है। बहुत ही अच्छी बॉटल लग रही है मुझे। दिस इज़ दी 700 ml बॉटल, और ये आती है अल्कोहल बाय वॉल्यूम 40% के साथ। अब आते हैं प्राइस पे, तो प्राइस सुन के आप हैरान होंगे कि ये 5 साल के लिए एज्ड आयरिश विस्की ये मुझे गुड़गांव से मिली 1450 रुपये की। या राइट, मैं खुद बड़ा हैरान था जब मैंने बॉटल देखी। इसमें कोई सिक्योरिटी कैप नहीं आती। अब देखते हैं प्राइस के हिसाब से बात कहाँ पहुँचती है। वाह, एक बहुत ही प्यारा स्वीट सा रोमा, स्वीट भी इस तरह का जिस तरह एप्पल पाई की तरह का कुछ ना, जिसमें या कह लीजिए या एप्पल पाई और उसके ऊपर से हनी। बहुत ही प्यारा रोमा आ रहा है, सीरियसली बहुत ही प्यारा। मैं इवन मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि ये मैं क्या क्या बताऊं। हल्का हल्का लाइक क्रैनबेरीज, बहुत ही ज़्यादा स्वीटर और स्मूथ साइड पे है। नोज़ पे कोई भी इस तरीके का वो नहीं है कि हालांकि मैं वैसे कंपेयर करना नहीं चाहता, जेम्सन से मैं कंपेयर करूँ तो जेम्सन मेरे एरिए में ऑलमोस्ट 1400 से 1600 के बीच में मिलती है मिनिमम, और कहीं कहीं उसका प्राइस 1800 से 2000 में भी है पंजाब में। इसको मैंने पंजाब में फ़िलहाल नहीं देखा, ये मुझे गुड़गांव में स्पेशली देखने को मिली। तो अगर उससे कंपेरिजन करूँ तो वहाँ पर जेम्सन आई थिंक 1250 से 1300 की है, ये 1450 की है। फिर वही बात, कंपैरिजन में करना ज़्यादा छोड़ो ना उसको, अभी पहले इसको देखते हैं। नहीं, मैं जेम्सन को बुरा नहीं दिखा रहा, इट्स रियली वेरी स्वीट विस्की। एक इस तरह से ना, इस तरह वनीला का केक हो और हल्का हल्का सॉल्टी, थोड़ा थोड़ा सिट्रस। आफ्टर फिनिश में काफी बटरी सा टेस्ट है, जिस तरह अब पंजाब के रहने वाले हैं तो जिस तरह पराठों के साथ हम बटर खाते हैं ना, लगा लगा के दबा के, उस तरह हल्की हल्की बटरी सी है पैलेट पे।
क्या लेयरिंग है इस विस्की की। अब मुझे नया नोट आ रहा है कि अब मुझे ना हल्का हल्का लास्ट में जिंजर का भी फील आ रहा है, हल्का हल्का सा जिंजर। इट्स रियली ऑसम विस्की, ना कोई कंपैरिजन किया जाएगा किसी भी आयरिश विस्की के साथ, क्योंकि यार दो वो भी फेवरेट है, अभी तक तो वही फेवरेट थी ना, ये तो मुझे नहीं मिली थी ना, तो प्राइस के हिसाब से सीरियसली यार मैं क्या बोलूँ इस विस्की के बारे में। मुझे लग रहा है शायद मैं दोबारा गुड़गांव जाऊं और मैं इसका पूरा केस उठा के लाऊंगा। इस तरह जिस तरह बनी बनाई कॉकटेल हो ना ऑलरेडी, कि यार क्या अरोमा आ रहा है इसका सीरियसली, एक वनीला कप केक, उसमें हल्का हल्का सॉल्टीनेस और ऊपर से हल्का सिट्रस, लास्ट में पैलेट पे जाके हल्की हल्की सी दालचीनी और जिंजर का फ्लेवर, क्या मज़ेदार विस्की है सीरियसली यार, इट्स रियली ऑसम। अब स्पेशली उनके लिए अपील है, देखो जो जो जेम्सन को पसंद करता, तो एक बार आयरिश विस्की के तौर पे अगर ये आपको मिलती है आपके एरिया में तो इसको टेस्ट पक्का करें, डेफिनेटली करें, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, करें इसको टेस्ट। तो इसके टेस्ट का नशा मेरे ऊपर ज़्यादा चढ़ता जा रहा है इससे पहले कि मैं बैठा बैठा पीता रहूं। वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, थैंक यू।